हमारे जो स्थानीय माननीय विधायिका हैं श्रीमती केतकी सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री नारद राय जी, माननीय पूर्व विधायक जी सुरेंद्र सिंह जी, सब इस घटना को लेकर जो प्रभावी कार्रवाई होती है उसमें लगे हुए हैं। हम लोगों को जानकारी मिली लौका बेटा था, बुजुर्ग पिता है, संविदा व्यक्त करने के लिए हम लोग भी आए हैं। हमने आदर्श बताया है, विश्वास दिलाया है कि माननीय मोदी जी की सरकार है, पूरी कड़ी कार्रवाई हो, जो भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है कानून के दायरे में रहते हुए वो कार्रवाई होगी। और आप सब पत्रकार साथियों को पता भी होगा, गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, दो अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी कई सारे कस्टडी में उनसे पूछताछ हो रही है। इस पूरी घटना में जो लोग भी शामिल है बख्शे नहीं जाएंगे, हम सब परिवार को न्याय दिलाएंगे। हमारी माननीय विधायिका जी, माननीय मंत्री जी, माननीय पूर्व विधायक जी पूरी तौर पर परिवार के साथ निरंतर संपर्क में हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी से भी हम उनकी बात हो रही है। तो ये गैंग का नाम आप सबकी तरफ से आ रहा है, जो पत्रकार साथियों ने बताया, ये गैंग आप सब विश्वास रखिए, जब इस प्रदेश में मुख्तार अंसारी गैंग नहीं बचा, रफीक अहमद गैंग नहीं बचा, तो बलिया में कोई उभरता हुआ गैंग भी नहीं बचेगा। जो भी इस घटना में शामिल है उसके बड़ी कार्रवाई होगी। क्या मानते हैं आपकी पुलिस की लापरवाही इस घटना में हुई है, जैसे कि आपको जो भी जानकारी मिलेगी? देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली पुलिस करता काम करना शुरू किया। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी हम सबकी पूरी प्राथमिकता पूरी कोशिश यह है कि जो अपराधी है गुनाहगार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यदि परिवार की तरफ से आप सबकी तरफ से कोई ऐसा संशय आता है, कोई सवाल आता है पुलिस की भूमिका को लेकर, आगे उसको भी देखेंगे, उसकी भी जांच करेंगे। आपको जानकारी है कि जो दो कांस्टेबल थे जो जिनके लिए कहा गया वो मौके पर तत्काल नहीं पहुंच पाए और उन कार्रवाई के खिलाफ हुई है, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई जिस तेजी से की है वो भी जानकारी आपको मिल रही है। यहाँ के जो पुलिस के अधिकारी हैं पूरी तौर पर लगे हैं, घटना में वर्कआउट कर रहे हैं, घटना में जो लोग शामिल हैं उनकी धरपकड़ हो रही है। आगे अगर आपकी तरफ से लगता है या परिवार की तरफ से लगता है किसी पुलिस वाले की भी जांच होनी है तो आगे का विषय है, उसको भी करेंगे। ये परिवार के लिए कुछ आर्थिक सहायता के लिए क्या शासन में पहल करेंगे? देखिए, सार्वजनिक विषय नहीं है, उनके परिवार से हम सबका व्यक्तिगत जुड़ाव, शासन की ओर से कुछ पहल आपकी ओर से जुड़ाव, उनके परिवार से हम सबका, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनका जुड़ाव है, हमारी उनसे बात हुई है, तो जब उन्होंने बातें रखी है वो बात हम सब माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। व्यक्तिगत तौर पे हम सब जो मदद कर सकते हैं मदद करेंगे, बाकी शासन के स्तर पे क्या व्यवस्था है, नियम क्या बनते हैं उसके आधार पर जो हो सकता है हम सब प्रयास करेंगे। मंत्री जी, आप क्या कुछ कहेंगे घटना के बारे में? माननीय विधायक जी ने घटना से संबंधित लोगों के खिलाफ क्या क्या हुआ है और क्या हो जाएगा इस पर प्रकाश डालने का काम किया है। आप देख रहे हो कि घटना के तत्काल बाद हमारे क्षेत्रीय विधायक केतकी सिंह जी ने बहुत सक्रिय होकर के लोगों से रिश्ता बनाया, जानकारी किया, नेतृत्व को इससे अवगत कराया, सरकार के हर स्तर पर सहयोग का अभी आश्वासन माननीय विधायक जी ने आपको दिया। हम सिर्फ यही इतना कहना चाहते हैं कि चाहे वो परिवार के लोग हो चाहे समाज के लोग हों, सबको थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा, समय लगेगा, न कोई इस घटना में शामिल होने वाला हत्यारा बचेगा और न उसका कोई सहयोग करने वाला बचेगा। लेकिन दुख ये भी हो रहा है, अभी विधायक जी ने बताया कि कल जो प्रशासनिक स्तर पर दोषियों के खिलाफ काम हो रहा था उसमें व्यवधान डालने का काम भी ऐसे लोग कर रहे हैं जिसको यहाँ के लोग तो गांधी जी कहते हैं, तो गांधी जी किसी जाति के तो नहीं थे मददगार सहयोगी, तो गांधी जी को गांधी जी की भूमिका में रहना चाहिए, जो हत्यारे हैं उनके सहयोग में खड़ा नहीं होना, और जिसकी हत्या हुई है उसके दरवाजे पर अभी तक लोगों ने संवेदना व्यक्त नहीं किया, उससे भी बड़ा दुख है कि माननीय अखिलेश यादव की छोटी छोटी घटनाओं में किसी को छुरा लग जाता है तो प्रतिनिधिमंडल भेज देते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, चार पांच दिन हो गया, अभी प्रतिनिधिमंडल का कोई जिक्र नहीं हुआ, और यहां के जो उनके प्रतिनिधि हैं वो हत्यारों को बचाने की साजिश कर रहे हैं। माननीय विधायक जी ने बताया है कि जो साजिश करेगा हत्यारों को बचाने का उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। इसके कुछ राजनीति भी हो रही है, देखिए कुछ को संरक्षण भी दिया जा रहा है। बहुत दुख की बात है कि इतने
मर्माहत कर देने वाली घटना पर भी लोग राजनीति करने से बात नहीं मानते। ये घटना तो ऐसी थी जिसमें समाज एकजुट होकर उस परिवार को ढांढस बंधा था कि हम हैं आपके साथ, अभी हम सब हैं। परंतु बहुत ही झोंक की बात है कि अपने आप को जनप्रतिनिधि कहने वाले, अपने आप को समाज का नेता कहने वाले सिर्फ एक जात के नेता में कैसे तब्दील हो जाते हैं, ये देखने का विषय है और बहुत शर्मनाक विषय है। कुछ शासन स्तर पर आपकी ओर से भी कुछ कल मुख्यमंत्री जी से जी कुछ परिवार के लिए? बिल्कुल, हम लोग की बहुत डिटेल में बात हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से और मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और उसके बाद जिस तरह कठोर कार्रवाई हो रही है तो ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं इस मुद्दे को लेकर। और रही परिवार की बात, तो ये परिवार की बात है, मैं भी उस परिवार का अंग हूँ, तो जब परिवार की बात है तो मैं पीछे कहीं नहीं हटूंगी और ना मेरे मुख्यमंत्री हटेंगे। और आप ये निश्चिंत रहें कि उस परिवार का भरण पोषण की व्यवस्था भी कराना हमारी जिम्मेदारी है, निश्चित तौर पर कराएंगे। ये प्रेस की बात नहीं है, ये मीडिया की बात नहीं है, ये अपनों की बात है। तो इंस्पेक्टर को डीजीपी से बात हुई, पूरा जो और उसके बारे में बता रहे हैं आप, पता करिए छापे पड़ सकते हैं, लगातार दो लोग अरेस्ट हो गए, दो अरेस्ट हो गए हैं, कार्यकर्ता में लोग उठ गए हैं और वो सब फरार हैं। पूरी कैसे काम करते हैं वो सारी चीजें पुलिस को जानकारी ना दी, कप्तान भी लगा हुआ है। अगर आपको लगता है किसी पुलिस वाले की लापरवाही से हुआ तो उसका भी नाम दीजिए, विधायक जी बैठी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, दो लोग सस्पेंड हुए हैं अगर आपको लगता है और भी कोई था। पर अभी नहीं छेड़ना चाह रहे कि सारे अधिकारी उस पर लगे हुए हैं, अभी छेड़ दिया अभी जाएगा तो नई टीम आएगी तो काम करेंगे, तो काम दिक्कत तो अभी कार्रवाई हो रही है, लगे सब लगी है एकदम। मुख्यमंत्री जी के यहाँ विषय यही रहा है, कल ही आएगा तो कल वहाँ जाना था, आजमगढ़ में यह विषय चल रहा है। जो आप बता रहे ना वो सारा गैंग वैंग सब पुलिस ने वर्कआउट कर लिया है, वर्कआउट करके कौन उससे जुड़ा हुआ है, किसने ऑनलाइन क्या खरीदारी की है ना, वो सब पुलिस की जानकारी। ऑनलाइन अभी भी माहौल एक बनाया जा रहा है कि हमने हत्या करके बहुत बड़ा काम कर दिया है, मोबाइल ऐसा नहीं है। जो ऑनलाइन एक विधायक प्रशासन से बात कर जो सोशल मीडिया पर इस तरह की बात चला रहा है उनके खिलाफ ये आईटी इस मामले से अलग एक कार्रवाई। सही कहा, ब्रेक लगेगा तभी जो उसमें कमेंट कर रहा है उसमें डाल रहा है ना, सब ऑनलाइन सब चिन्हित हो रहे हैं, यहाँ पुलिस भी देख रहे हैं उसके अलावा एल आई सी टीम भी देख, कुछ लोगों को उठा लेंगे ना तो बाकी रुक जाए, उठ रहे हैं दो कस्टडी में। बहुत से लोग आपको बहुत से लोग फर्जी सूचना भी देंगे, छूट रहे छूटे नहीं थाना से दूसरे जगह भी भेजा गया था, जानकारी हुई होगी, एक एक इंच की नापी हुई है, एक एक इंच की। क्या कहा जाए, कुछ समाज के ऐसे तत्व भी हैं जो वहाँ पे उसको बचाने के लिए भी पहुँचे थे, वो भी आपने नहीं, राम गोविंद चौधरी पहुँचे थे, एक एक इंच की नापी हो रही है और ये यकीन रखिएगा उसको तो घुसा दिया जाएगा जमीन पे, कहा आज फिर मंत्री जी पहुंच गए थे इसके वजह से लोगों को दिया गया। सब लोग बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा, एक लोग बोलिए, एक सेकंड संजय भैया बोलते हैं, बोलिए भैया संजय भैया। मैं जो कह रहा हूँ कोई भी अपराधी है उसका साथ कोई दे रहा है, कोई भी जनप्रतिनिधि है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, ये कौन सी बात है, बोलिए बिल्कुल जनप्रतिनिधि बढ़ेगा। सत्य बात है कि जनप्रतिनिधि कुछ लोग हैं जो कुछ लोग मुलजिमों को बचाने के लिए बढ़ाने वाली बात है। दो तरह की कार्रवाई होती है जी, एक कार्रवाई पुलिस करती है प्रशासन करती है और दूसरी कार्रवाई जनता करती है, समाज करता है। आप भी देख रहे हैं कौन लोग हैं और वो लोग हमेशा करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा हवा बदलता उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी पूरी घटना को गंभीर है, प्रशासन गंभीर है, सारे विधायक के लोग लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं, निश्चित तौर पे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है, दो गिरफ्तारी हो गई, बहुत से लोग कस्टडी, अभी आपको कस्टडी में दो आदमी दिखाई दे रहे हैं, बहुत से लोग पूछताछ चल रही है, अलग अलग
थानों पे रहने के गांव में छापे पड़ रहे हैं। सर सर माफ करेगा, मैं आपको बीच में काट रहा हूँ सर, लेकिन कार्यवाही हो रही है। सिर्फ मैं यही पिछले चार दिनों से सुन रहा हूँ, जोगी जी से बहुत हमें उम्मीदें हैं, बहुत अच्छा काम किया, मैं अप्रिशिएट करता हूं उनके कार्य को, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैडम भी बैठी हैं, सभी लोग आप योग्य हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक चीज है कि यहां से चार दिन हो गए हैं, हमारी उम्मीदें हैं कि सर कुछ उम्मीद पूरी, उम्मीद को आप विश्वास दिला रहे हैं, आप कह रहे कोई गिरफ्तारी नहीं, सिर्फ हम अपने पेशेंस को रोक के रखे हुए हैं सर, सिर्फ इसीलिए कि लायक सरकार है और सरकार ने अभी तक जितने कार्य किए हैं, बड़े से बड़े गुंडों के चाहे अतीक अहमद हो, सबके साथ इंसाफ किया गया है तुरंत, तो यहाँ पे चार दिन हो चुके हैं, जानते हैं तो संतुष्ट रहिए, सब कुछ हो जाएगा। जो इन फोर डेज सर कंटिन्यूअसली हम सुन रहे हैं कि प्रोसेस इज गोइंग ऑन, कुछ भी नहीं हो रहा है सर, दो लोग अरेस्ट हुए ना, आप कह रहे कुछ भी नहीं हुआ, दो अरेस्ट हुए, इनकाउंटर्स होना चाहिए सर, अरेस्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, आप बोलिएगा कौन, ये सब बोलने की चीज नहीं होती है, मुझे नहीं पता सर कि मैं क्या, लेकिन इमोशनली मैं कुछ बोल जाऊं तो माफ करिएगा, परिस्थिति आती है तो इनकाउंटर हो जाता है, कोई करता थोड़ा है, परिस्थिति आएगी तो इनकाउंटर हो जाती है। ये सर कानून के दायरे में जो कठोर, एक बात सोचिए, आप भी घर से बाहर जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, आप लोग भी किसी की भी फैमिली पे ये चीज हो सकती है, क्योंकि अपोजिशन जो लोग हैं वो अपने आप को एक बहुत ही बड़े वो समझ रहे हैं, वो एक होता है विलन अपने आप को दिखा रहे हैं, और इस समाज है यहाँ इंसानियत का नाम पे होना चाहिए सर, रोड पे लोग हैं, प्रशासन है, सब मिले जुले लोग हैं सर, ये बात आइए, ये मेरी विधानसभा नहीं है ना, विधायक जी भी लगी है, हम भी वहाँ से चल के आए जी सर, नहीं करने आए, इंसानियत के नाते ही आए हैं, आपके बारे में सर हम नहीं सीधे, हम सब आए, देखिए मंत्री जी आए, पूर्व विधायक जाए, सबकी सहानुभूति, इसीलिए उम्मीदों पर खरा उतर के रास नहीं होंगे, एकदम खरा उतरा जाएगा, जो ढंग चिंता मत कीजिए, जो बातें आप सोच रहे हैं कि अतीक का हो गया, दुनिया का हो गया, उससे भी खराब हो जाएगा अगर परिस्थिति आएगी, ठीक है, एहसास नहीं हो रहा है, हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं कि हम लोग एहसास नहीं करा पा रहे, नहीं तो इतनी तेजी से प्रक्रियाएं चल रही हैं, 24 घंटे 38 घंटे के अंदर उसको इनाम घोषित कर दिया गया अपराधी के ऊपर, 38 घंटे के अंदर कुछ लोगों का नाम है, बहुत से लोग बहुत बताएंगे, जैसे बताना छूट गया है, वो थाने में देख के आया, थाने में उसमें मत जाने, बुलडोजर चल रहा है, कोई लाइट किया है।